लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के सामने 71 मंत्रियों वाली कैबिनेट चलाने में आखिर क्या होंगी चुनौतियां? ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। सहारा प्रणाम, मैं हूँ छवि पारशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की कि आखिर वो कैसे मात देंगे, कि आखिर 71 मंत्रियों वाली कैबिनेट चलाने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार, 30 कैबिनेट मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। वहीं पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर हैं। अब क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 11 मंत्री भी हैं। पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल उन 19 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी जगह मिली है। इस बार BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। वहीं पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया है। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि देश के 6 राजनीतिक परिवारों को भी मंत्री परिषद में जगह मिली है। इसके अलावा मंत्री बने जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे, दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और JDU के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से BJP में आए और अपनी सीट हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को भी सरकार में जगह दी गई है। आपको बता दें, 2021 में कांग्रेस छोड़कर BJP में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। वहीं केरल में पहली बार BJP के लिए लोकसभा सीट जीतने वाले अभिनेता सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है। नई सरकार में 27 मंत्री, अन्य पिछड़ा वर्ग 10 मंत्री अनुसूचित जातियों, 5 अनुसूचित जातियों और 5 अल्पसंख्यक समूहों से हैं। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आपको बता दें, शपथ समारोह में 7 देशों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिल्म और उद्योग जगत समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां मौजूद रहीं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी समारोह में मौजूद रहे। गठबंधन सहयोगी TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, NCP नेता अजीत पवार और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। वहीं इस बार BJP के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगी अपनी पसंद के विभाग लेने के लिए BJP पर दावा बना सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सबसे अहम यही है कि सरकार में किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे पीएम मोदी इन चुनौतियों को देंगे मात और कैसे संभालेंगे 71 मंत्रियों वाली कैबिनेट की कमान। तब तक के लिए देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल पर मेरे साथ।